रुकना चाहो तो रुक सकती हो, जाना चाहो तो जा सकती हो, पर जाने से पहले मेरा मासी दे दो। रुकना चाहो तो रुक सकती हो, जाना चाहो तो जा सकती हो, पर जाने से पहले मेरा मासी दे दो। आप लोगों की जो कॉम्बो है बड़ा कमाल है। थैंक यू। अच्छा ही इज लिविंग लेजेंड मैन। या ही इज डेफिनेटली नो ही इज गोइंग टू बी द लिविंग लेजेंड वेरी सून। आपका पूरा हो इंशाल्लाह। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि मैं जो सबसे ज्यादा इंट्रिग्ड होती हूं ना रैपर से वो एक बड़ी अजीब सी बात है। द वे जो आपने खुद मेंशन किया द वे यू गाइस ड्रेस अप ये कोई यूनिफॉर्म है रैपर्स का कि आप लोगों की जींस जो है ना वो इतनी नीचे होगी कि मतलब मुझे हर रैपर को जिसको मैंने मिली हूँ ना मुझे लग रहा था यार ये जीन्स जो है ना ये ऑल्दो मैंने बेल्ट आज ऊपर पहनी थी आई डिडंट सैग माय पैंट्स दैट मच यस बिकॉज़ यू ग्रो अप एंड यू स्टॉप सैगिंग इट टू द पॉइंट वेयर योर अंडरगारमेंट्स आर शोइंग या बट दिस इज माय आई मीन ऑब्जर्वेशन नॉट ओनली विद यू आई हैव ऑब्वियसली इंटरव्यूड एंड मेट अ लॉट ऑफ रैपर्स लेकिन एक कॉमन जो आप लोगों का ट्रेट है मैं जानना चाहती हूँ इसकी इंस्पिरेशन और वजह क्या है मुझे जो पर्सनली लगता है इट्स द कंफर्टेबिलिटी वी कैन मूव अराउंड मोर इजीली राइट क्योंकि 80s में यू हैड माइकल जैक्सन वेयरिंग दोस टाइट स्ट्रेट अप हियर या एंड देन व्हेन ही वुड डू हिज माइकल जैक्सन स्टैंड्स व्हिच आई कैन आई डोंट थिंक आई कैन डू इट ऑन टीवी सो व्हेन ही वुड डू दैट यू वुड अंडरस्टैंड व्हाई ही वाज मेकिंग दैट साउंड Okay. You know, so that applies to the whole rapper thing too. Because okay. when you have those saggy jeans, you're not. You're just moving. So you're in your I don't care. Yeah, like जैसे हम लोग शलवार के ऊपर शर्ट नहीं पहन लेते. हाँ. तो it's basically like that. I would prefer शलवार के ऊपर बंदा शर्ट पहन के
That's the most comfortable uniform. I think Pakistan mein jo rappers hain unko aisa karna chahiye, something new. Main to shalwar aur kameez mein wo shirt mein hi rehta hoon. Wo to main jeans pehen li. Lekin inspiration kaun hai? Koi koi. For me, I don't have one. Matlab agar hum Pakistani classical se shuru karun ya hamara Bollywood. A rapper inspired by Pakistani classical. Because till age 8, as he mentioned, my father is a very big aficionado of the classical music from the 50s and 60s of Bollywood and so everything. So till 8, I was only listening to Rafi. I would never listen to anything else than Rafi or Mukesh or Kishore. So, Talat Hussain, Mehndi Hasan Sahab, Mustafa Ali Khan Sahab. And I still love them to this day. That never goes away. But then I started seeing more things. Jaise you will see Faiz Ahmed Faiz ya Ghalib ke andar, a lot of their poetries have the element of rap in it. Because rap basically stands for rhythm and poetry. So, Azad Nazme aa gayi. Azad Nazme, ragu mein daudne ke nahi hai kar. Lahu jab tak, I mean, aankh se lahu tab kar. Fact. So, and when I started seeing the parallels, wo itne obvious the. When you go to old Ethiopian music, right? Aur wahan wo log scriptures likhe hue hote the that are said in rap form. Right. Now you will see it as rap form, and everything has rhythm and poetry to it. ठीक है. अच्छा उमर, शूट करना दो डिफरेंट जॉनर्स है ना, दो डिफरेंट फील्ड्स हैं. इनके साथ वर्किंग विद रिज़वान भाई इज़ मतलब इट्स रियली यू नो कूल. ये बहुत फ्लेक्सिबल है व्हेन इट कम्स टू वीडियो डायरेक्शन कॉन्सेप्ट एंड प्लानिंग. तो ये ट्रस्ट करते हैं मेरे काम को, तो वो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से मैं भी अपना 100% या 200% दे सकता हूँ. तो यू नो व्हाट एवर आइडियाज आई टेल हिम और आई यू नो शेयर विद हिम, तो ही इज लाइक यू नो परफेक्ट, लेट्स गो विद इट. तो हमारा काफी फसी एट ऑल, ही इज नॉट एट ऑल फसी, इज वेरी कंफर्टेबल. नहीं हां, ही इज नॉट एट ऑल, और हर चीज में ओपन. एंड इफ ही हैज समथिंग इन हिज माइंड एंड वी आर गिविंग मोर ऑप्शंस, स्टिल से तुम लोग डिसाइड करोगे क्या करना है. ही इज अमेजिंग. ये आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट यू बिकॉज़ इस तरह से ना यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ एवरीवन. And up, you can just put them there through your music. I feel that we're a team, and when there's that team spirit is there, so everybody's you know giving their full input. So the eventual result jo hota hai, wo hamesha bahut acha hota hai. Mujhe usse bada fayda hota hai. Jo kaam karne wale hain, jitne bhi kaam karne wale hain, sabko ek individually ek satisfaction bhi milti hai. Ek वो जो ट्रस्ट डेवलप होता है. अच्छा फिर एक मोटिवेशन ये भी मिलती है कि वी वांट टू वर्क टुगेदर अगेन, यू नो दैट्स द स्पिरिट. के व्हेन यू फिनिश वन प्रोजेक्ट देन शुड ऑलवेज लीव विद दिस इन माइंड के आई विश कि हम दोबारा एक और प्रोजेक्ट पे काम करें. सो दैट्स ऑलवेज द वे आई थिंक. एंड बिल्कुल. अच्छा जब रिजवान ने आपको ये कहा था कि आप मेरी, वर यू एक्सपेक्टिंग कि इस तरह का आपको एक ऑफर जो है वो आएगी डॉक्टर एमन के मॉडल इन माय वीडियो? आई वाजंट, दो आई न्यू इट दैट ही नोस दैट वी आर लाइक लविंग एंड लाइकिंग हिज सॉन्ग्स एंड परफॉर्मेंसेस व्हिच द पीपल वर डूइंग देयर. या लेकिन आपको उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की कोई बात हो? जैसे इनको उम्मीद थी ना कि शायद कोई वो थप्पड़ मारे, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि यू नो शी माइट गेट ऑफेंडेड. लेकिन मैंने हिम्मत करके पूछ लिया कि वैसे हिम्मत कहां से लाते हैं आप, इसका भी बता. ये कुदरती है, वेरी स्पॉन्टेनियस. मैंने देखा है कि किसी से भी बात करनी हो एंड ही ट्रीट्स एवरीवन रिस्पेक्टफुली, वेरी नाइसली, बहुत बच्चों की तरह. बट ऐसे करके कोई चीज फेंक देंगे कि हाँ अब देखते हैं अभी क्या होगा. कूल एंड काम और बिल्कुल मतलब आपके पास कंप्लीट मार्जिन है, से व्हाटएवर यू वांट टू बेसिकली. ही इज एन 80s रॉक स्टार, व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट? या हां हां यस बिल्कुल. आई आस्क्ड हिम टू मेक अ शाउट आउट ना, आई आस्क्ड 3 मोर पीपल टू डू इट फॉर मी. बट जब वो शाउट आउट आया ना, तो यंगस्टर्स के शाउट आउट्स में और रिजवान के शाउट आउट में देयर वाज हेलो फॉर डिफरेंस. आई मीन ही वाज प्लेइंग पियानो एंड ही जस्ट टर्नड लाइक दिस एंड देन ही वाज अ हेलो एवरीबॉडी. इट वाज लाइक सो अमेजिंग. एंड देन ऑब्वियसली व्हाट ही सेड ना, ही वाज सो नेचुरल. हां, ही सो नेचुरल.
ये उस वक्त होता है व्हेन यू रियली लव डूइंग व्हाट यू डू. यस एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट. के अंदर से वो सारा कुछ आ रहा होता है. अच्छा फिर क्या हुआ जब इन्होंने आपको कहा कि आप मेरी वीडियो में मॉडल करेंगी, विल यू प्लीज? देन उसके लिए सबसे पहले मैंने उनसे बोला था कि टेल मी द सॉन्ग. और वो गाना जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना और मुझे याद हो गया. देन सेकेंडली एक और बात इन्होंने बोली थी कि वो कर लीजिएगा, ग्लासेस पहन लीजिएगा. अच्छा वही अगेन, यू नो सो वेल ना एवरीथिंग, कि यू वुड लुक गुड विद द ग्लासेस. ये वाली शेप ग्लासेस की होगी तो आई थिंक ठीक लगेगा. अदरवाइज आपने अगर कोई करना है तो दैट वुड ऑल्सो बी ओके. अच्छा फिर उसके बाद और क्या था, यू जस्ट एंजॉय योर सेल्फ, बी इन योर एलिमेंट, एंड यू नो दैट वाज इट. And just I did it. So before you said yes, he actually thought that you'll be saying yes eventually. So I think glasses he knew it. ये वाले पहन लीजिएगा और आप ये सारा कुछ भी कर लीजिएगा. हाँ, that's what he could tell now. अच्छा वाह, great. So Rizwan, how you knew कि I'll do it. Do it. So glasses ये वाले होने चाहिए और ये yes ही होना चाहिए. कोई आमद आती है पता नहीं कहाँ से, लेकिन आ जाती है बस. वो आम जिस तरह ये कह रही है सैरिश, आमद आती है बोल पड़ता हूँ बस. लेकिन ये भी सोचता हूँ कि यार आई होप आई डोंट ऑफेंड एनीबॉडी, यू नो, बिकॉज वैसे कभी आपको फील हुआ है कि कोई ऑफेंड हुआ हो? टू बी ऑनेस्ट आई थिंक इट्स जस्ट द वे यू कैन आस्क पीपल एंड द वे यू पुट योर पॉइंट अक्रॉस. अगर आप किसी को अप्रोच करें लेकिन ओवर कॉन्फिडेंटली, दे माइट गेट ऑफेंडेड बिकॉज आप अल्फाज जो हैं, यू हैव टू बी केयरफुल विद द वर्ड्स यू यूज़. लेकिन आप हमेशा एक अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे होते हैं. व्हाई वुड एनीबॉडी गेट ऑफेंडेड? आई मीन इट्स बेटर टू, इट्स अपॉर्चुनिटी इज द बेस्ट. इट्स अ गुड वर्ड, इट्स अ वेरी पॉजिटिव वर्ड. एंड व्हेन यू, जिस हिसाब से कहा अपॉर्चुनिटी, जब मैं किसी से शेयर करता हूँ तो फिर ऑब्वियसली देयर इज अ वेरी हार्डली एनी चांस कि कोई ऑफेंड होएगा. रिफ्यूज कर देगा कोई, बिल्कुल, लेकिन ऑफेंड नहीं होगा. मुझे लगता भी नहीं है कि ऑफेंड होने वाली कोई बात होती है, बिकॉज़ एवरीवन इज ऑफरिंग समबडी एल्स एन अपॉर्चुनिटी. इट्स योर चॉइस, यू कैन टेक इट और लीव इट. बिल्कुल, व्हाई टू गेट ऑफेंडेड? देखिए, फॉर इफ आई विद माय बैकग्राउंड इन म्यूजिक एंड माय पास्ट इन म्यूजिक, जो कुछ मैंने देखा है, अगर उसको मैं नेगेटिवली अप्रोच करूँ ना किसी पे, मैं सिर्फ सैरी से पूछूँ या ईमन से पूछूँ या जवाद से या उमर, मैं उमर डायरेक्टर है तो मैं इनको नखरे दिखाऊं एज एन आर्टिस्ट, तो ही विल नॉट एंजॉय वर्किंग विथ मी. ही विल डू इट, काम करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली इन्होंने करना है, बट एंड ऑफ द डे ही माइट थिंक कि यार मैंने इसके साथ दोबारा नहीं काम करना. प्रोडक्ट वुडंट बी, जो चीज निकल रही होगी ना उसके अंदर, म्यूजिक आर्ट में यही है. फॉर कोलैबोरेटिंग अगर केमिस्ट्री नहीं है, इट वोंट हैपन. दिस इज समथिंग वेरी रेयर टू द आर्टिस्ट ऑफ दिस एज. क्योंकि अब वो जो अंकल बात कर रहे हैं ना, ही इज एब्सोल्युटली राइट, बट द थिंग इज कॉल इट द पीसी कल्चर और द पीसी पुलिस, या आजकल जो भी है, देयर इज अ सॉफ्टनेस दैट इज ग्रोइंग इन द सोसाइटी एज अ होल, जो एक एक तरह से हार्डन्ड हो गई थी. एंड दीज काइंड ऑफ सॉन्ग्स वर द ओनली रिलीज बैक देन. लाइक राइट नाउ यू गॉट थ्री मेजर रैपर्स, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस एनीवन व्हाइल सेइंग दिस, बट थ्री मेजर रैपर्स हु आर ऑन द सीन एंड दे हैव मोनोपोलाइज्ड द होल सिस्टम. तो जब ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं एंड समवन जिसके पास अपॉर्चुनिटी है वो दे सकता है, वो इतना वक्त गुजार चुका है उस चीज़ में, उसका एक्सपीरियंस वर्सेस हूएवर इज गेटिंग द फेम, जिसको शोहरत मिल रही है, इट डजंट मैटर, बिकॉज इफ यू आर अ क्राफ्ट्समैन, आप कला के पास ही जाओगे. यू आर गोइंग टू गो टू वेयर द जुनून ऑफ इट ऑल इज, वेयर द पैशन ऑफ इट ऑल इज. मतलब आप जहाँ जाके देख सकते हो, अंकल है ना, अंकल कहते हैं आराम से करें, मतलब टेंशन नहीं ले, टेंशन नहीं ले, लिखना है आराम से लिखो. एंड आई दोज इजाजत, those were one of my simplest lyrics. I usually write very complicated, but those were one of my simplest lyrics, and they have such a good vibe, a subtle balance to the song. So wo ek maine jo notice kiya art ke andar collaboration mein, you need to have chemistry. Acha main jis baat pe baat kar rahi thi Sarish, ki jo maine bahut feel kiya hai, jise Rizwan hai ya is era ke baki bhi jo log hain, they are very grounded. They're usually very respectful, usually. Because not, I think उन्होंने इतना एक तो इंडस्ट्री चेंज होती देखी,
फिर म्यूजिक चेंज होता देखा, एंड देन उस टाइम के फेम को अगर अभी के टाइम से अब कंपेयर करें तो वो फेम बहुत ज़्यादा मायने रखता है. अभी तो हर इंसान सोशल मीडिया पे आ गया और फेमस हो गया, वो एक स्ट्रगल है, वो एक पैशन है. आई थिंक उनके सारे म्यूजिक वीडियोस में शो होता है. लेकिन आजकल के बच्चों में क्यों नहीं है, मतलब आते हैं और वो दे से माय इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, लुक एट आवर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, वी हैव सो मेनी फॉलोअर्स. ट्रेंड अब इस तरह से चेंज हो गया कि पीपल टॉक टू ईच अदर एंड रिस्पेक्ट ईच अदर के फॉलोअर्स आपके कितने हैं, फॉलोअर्स कितने हैं. तो ये ट्रेंड अब हो गया, मतलब वो अब इसको चेंज करना, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल कि माइंडसेट को चेंज कर सके, बिकॉज जैसे जैसे जनरेशन यू नो अब जेन जी जो इनको कहते हैं हम लोग, तो उनका माइंडसेट टोटली यही है. कुछ हैं जिनका नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम टेक्नोलॉजी इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू कीप ग्रोइंग, सो यू हैव टू लाइक मैनूवर. यू हैव मोर फॉलोअर्स, प्रोबब्ली यू कैन गो इनटू एक्टिंग एज़ वेल. You can do anything. हां, यू कैन डू एनीथिंग अगर आपके फॉलोअर्स हैं. सम पीपल लाइक मी स्टिल वांट टू प्रेफर द ओल्ड वेज. एक्चुअली मैं सैरिश ने बीच में एक छोटी सी बात की, एक्चुअली मैं एक्चुअली मतलब क्या इसका मतलब है कि मैं नो ऑफेंस बट जिनको एक्टिंग नहीं आती है उनके फॉलोअर्स हैं, दे आर कमिंग ऑन टीवी शोज, दे आर मेकिंग गुड मनी कमर्शियल्स, ये वो. वेयर इज द टैलेंट, वेयर इज योर स्ट्रगल? दैट इज नॉट द टैलेंट टू के इतने फॉलोअर्स, आखिर टैलेंट के पीछे ही फॉलोअर्स है ना. फॉलोअर्स लेना बहुत आसान काम है आजकल. आप फेमस हो गए हैं, आपने कुछ, आजकल हमारा एंटरटेनमेंट क्या है, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हम उस टैलेंट को अच्छा ही नहीं समझते जो डिसेंट काम कर रहा है या जो अपने पैशन में काम कर रहा है. हम कहते हैं छोरपन है, क्यों, व्हाई पीपल आर गेटिंग फेमस बिकॉज ऑफ द स्टूपिड वीडियोस ऑल ओवर सोशल मीडिया, बिकॉज वो लोग उन लोगों को फॉलो करते हैं तो हमें लगता है शायद दे आर फेमस. चांसेस आर हम उनको जानते भी नहीं होंगे, हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, तो वो मुझे बहुत अजीब लगता है कि यार ये लोग फेमस हो गए क्या करें हम लोग. तो वो फेमस होने से बेहतर है कि आप कम फेमस हों, अच्छा काम करें, रिसेंट काम करें और अपने पैशन को फॉलो करें, रादर देन आपने फॉलोअर्स की रेस में दौड़ना. आपको लग रहा होगा कि यू नो हो सकता है इसमें वीक्स लगे हों या फिर मंथ्स लगे हों, लेकिन इसमें सिर्फ लाइक 2 डेज में बनती है. Why I love working with him also is one day shoot and the next day we edit the video and just we wrap it up. अच्छा, अरे दो दिन का मतलब मेरा था, मतलब था शायद दो दिन का शूट होता होगा. नहीं 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 नहीं, shoot one day and then we edit it the other day. और जितना जितना जल्दी ये म्यूजिक वीडियोस रिलीज करते हैं ना, एक टाइम पे दो दो हो रही होती हैं. मैं कहती हूँ कहाँ से आता है इतना म्यूजिक, कितने सालों से छुपा के रखा हुआ था. I tell you something, Suresh, जो कह रही है, I learnt a lot from her. Also, I've known Suresh for I think almost a year now. Or I was not into social media. Thanda tha main bilkul, main yaar kaun karega, you know, like. Then I bumped into her jab humne gila kiya na. So fir inhone mujhe thodi si akal di, unhone kaha dekho tumne agar thoda sa aana bhi hai na scene mein, you know, you should be out there, maybe mainstream mein, so you have to be in the social media. So she actually encouraged me. Yeah. And she's taking care of my Instagram sara account wagera inke paas hai and she's doing a beautiful job, fantastic job. Main itna kuch seekha inse, honestly, this is jokes aside, jokes aside, I mean, like, you know, this is the best thing working with these youngsters na. Ji ji ji, you learn a lot. Main baithi bhi thi aur mere sath isi tarah se ek Sumbal, a friend of mine, and she said ke aapka Instagram aap kyun nahi us pe kuch karti hain, क्या मुझे जरूरत नहीं है, मैं क्यों, आई मीन कि नहीं नहीं आप कुछ भी डाल दिया करें. बिल्कुल सही कहा. और ये बात को भी महल है 8-9 महीने हुए होंगे, एंड आई स्टार्टेड पोस्टिंग कुछ पिक्चर्स एंड ये एंड वो, एंड वो ग्रेजुअली इट स्टार्टेड स्लाइटली ग्रोइंग. लेकिन ये कि आपको भी एक अच्छी इनपुट जो आती है, बट रिसेप्टिव होना भी बड़ी बात है, बिकॉज द पीपल यूजुअली गेट सो जिसे कहना चाहिए हार्डन के वो अपने आप को ही समझते हैं कि हमारी राय जो है, बट व्हाट वी से. नहीं नहीं, आई तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव टू लर्न सो मच फ्रॉम दीस गाइस. Thank God I'm blessed, because the thing is I intend to carry on with my music. I mean, like, I don't care ke how old I am, how I look, these things matter. Don't bother me. My only music thing is my only thing is to learn from these youngsters and grow up. Achha, yeah, isi cheez ke sath na सैरिश ने कहा कि लुक्स मैटर करती हैं, आप मूव्स करें और अजीब गरीब कुछ हरकतें करें तो आप फिट हो जाते हैं. आप कह रहे हो लुक्स मैटर नहीं करती, करती हैं या नहीं करती? नहीं, ये बाद में बात करते हैं, ब्रेक काफ़ी देर से ओवरड्यू है. सो लेट्स टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे यहाँ वापस.
सुन।